Welcome to this lecture. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badayun. In this lecture, I will discuss about power of lenses. Lens ki power. First type of lens. Lens ke kitne prakar ke hote hain aur kaise unko categorize kiya hua hai. Mainly lens ko do category mein rakha hua hai. Lens to bahut alag alag type ke ho sakte hain uske shape ke aadhar par, uski aakriti ke aadhar par. पर मेजरली जितने भी लेंसेज हैं उसको सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट कन्वर्जिंग लेंस एंड सेकंड डाइवर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस किस टाइप के, मीन्स एक ऐसे लेंस जैसे स्टूडेंट पहले से जानते हैं कि दो ही टाइप के लेंस जनरल यूज किए जाते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस. उत्तल लेंस जो बीच से मोटे होते हैं और अवतल लेंस जो बीच से दबे हुए होते हैं उनको अवतल बोलते हैं, और जो बीच से मोटे होंगे उनको उत्तल लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस. अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैटेगरी में किस आधार पर उनको रखा हुआ है ये भी एक अलग क्वेश्चन होगा. इन तीनों टाइप के जो लेंस है उसको कन्वर्जिंग ही बोलते हैं. ये तीनों जो लेंस हैं इनकी आकृति अलग अलग है, इनको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. अब कन्वर्जिंग की क्या डेफिनेशन है और डाइवर्जिंग की क्या डेफिनेशन, ये आपको स्टडी करना होगा. कन्वर्ज करना मीन्स चीज़ों को सिकोड़ना होता है, और डाइवर्ज करना चीज़ों को फैलाना होता है, डाइवर्ट करना. कभी कभी रूट डाइवर्ट होता है ना, रूट को फैला दिया जाता है. तो ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है. ये लाइट रेज है, प्रकाश की किरण है, ये लेंस पर आती हैं और ये लेंस इस सब रेज को इकट्ठा करता है. इसको बोलते हैं कन्वर्ज करना, लाइट बीम को इकट्ठा करना, इस पॉइंट पर इकट्ठा करता है. इसीलिए इस टाइप इन जो भी कोई लेंस लाइट रेज को इकट्ठा करता है उसको कन्वर्जिंग लेंस ही बोलते हैं. मीन्स जो उत्तल लेंस है वो लाइट रेज को इकट्ठा करता है किसी एक पॉइंट पर, इसलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस कैटेगरी में रखा हुआ है. ये अवतल लेंस है, जो भी लाइट बीम होगी, लाइट रेज होगी, ये लाइट को फैलाता है. आप देख सकते हैं एरोस दूर दूर हैं, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगे. तो ये लाइट को फैलाता है इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कैटेगरी में रखा हुआ है. डाइवर्ट करना, रूट को डाइवर्ट कर देगा, एक पॉइंट से अलग अलग रास्ते पर फैला दिया गया. ये इकट्ठा करना और इसको फैलाना, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. उत्तल और अवतल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस. अब क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर हम क्यों इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि जब पावर की बात करेंगे लेंस की भी अपनी एक पावर होती है, अपनी क्षमता होती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि लेंस की जब पावर की बात करते हैं, लेंस तो एक ग्लासेस या कांच से बना है, और कांच से बना है उसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफाइड सर्किट तो नहीं होगा, कोई स्पेशल कंपोनेंट भी नहीं है जिससे उसकी कैपेसिटी को आप डिफाइन कर पाएँ. इंजन होता है, उसके कंपोनेंट होते हैं, उसके आधार पर हम उसकी कैपेसिटी बताते, क्षमता बताते हैं. बाइक में छोटा इंजन होता है उसकी क्षमता कम होती है, गाड़ी में इंजन बड़ा होता है तो उसकी क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि इंजन के आधार पर हम उसको बताएंगे. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, वहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, उनकी सबके अलग अलग क्षमता है, अलग अलग पावर है, उसके आधार पर पूरे सर्किट की हम पावर कैलकुलेट करते हैं. बट लेंस के अंदर कुछ नहीं होता है, लेंस तो सिर्फ ग्लास है, बट उसकी भी ये पावर है. अब उस पावर को कैसे डिफाइन किया जाता है. लेंस सिर्फ दो ही काम करता है, या तो लाइट रेज को इकट्ठा करेगा और या लाइट रेज को फैलाएगा. इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए लेंस की पावर को डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी लेंस जितने अच्छे से मैक्सिमम लाइट को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ज करता है, उसको कन्वर्जिंग कैटेगरी में, मीन्स उसकी पावर ज़्यादा है, और जो लाइट इसको फैलाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा, तो उसकी पावर उस फैलाने पर डिपेंड करेगी. अगर दो लेंस उत्तल लेंस सेम है और किसी ने क्या किया, एक लेंस इस टाइप का बना हुआ है, एक रेज ऐसे गई उसने ऐसे डाइवर्ट कर दिया, दूसरा लेंस ऐसे बना हुआ था, ये लाइट ऐसे गई उसने बिल्कुल क्लोज से उसको डाइवर्ट कर कन्वर्ज कर दिया, तो ये जो जिस टाइप से कन्वर्ज करेगा लेंस वो उसकी पावर ही होगी. तो कन्वर्ज करना और डाइवर्ज करना ही लेंस की पावर को बताता है. सेकेंड जो डेफिनेशन है मैथेमेटिकली जो सिंपल है वो वन अपॉन फोकल लेंथ होती है. वन अपॉन फोकल लेंथ, जिस लेंस आप यूज़ करते हैं उसको इनवर्स जो होगा वो लेंस की पावर को बताता है, और कैपिटल पी से इसको डिनोट करते हैं. और अगर ऐसा यूनिट में मात्रक की बात करते हैं, उसका जो मात्रक होता है वो डायप्टर होता है, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं. तो पावर की जो डेफिनेशन है वो दो कैटेगरी में होगी,
एक तो कन्वर्ज करना और डाइवर्ज करना लेंस को, सेकंड जो फोकल लेंथ है उसका इन्वर्स पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो दो आधार पर हम किसी भी लेंस की पावर को डिफाइन करते हैं जिसका मात्रक डायोप्टर होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर हमें कंबाइन करना है लेंस को, जैसे कभी कभी दो गाड़ी को कंबाइन करके कुछ बड़ा काम, आपको कुछ चीज़ किसी चीज़ से खींचनी होती है तो हम उसको दो गाड़ी को कंबाइन करके किसी चीज़ में यूज़ करते हैं ताकि उनकी पावर ज़्यादा हो जाए। क्या यहाँ पर यह भी संभव है कि दो लेंस को हम कॉन्टैक्ट में रखें, उनकी पावर में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सेम है कि हम अगर दो लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखते हैं, अब कॉन्टैक्ट में रखने से जो ये P1 है ये एक लेंस की पावर है और जो P2 है वो दूसरे लेंस की पावर थी, तो दोनों दोनों सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे और जो रिजल्टेंट पावर आएगी वो दोनों का जो कॉन्टैक्ट बन के जो लेंस बना है वो उसकी पावर होगी कैपिटल P। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/F=1/F1+1/F2। F1 पहले लेंस की फोकल लेंथ है और F2 दूसरे लेंस की फोकल लेंथ होगी और F जो होगी जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास उसकी फोकल लेंथ होगी। तो हम लेंस को कंबाइन करके उसकी पावर भी निकाल सकते हैं। तो जो फोकल लेंथ होती है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है और कॉनकेव जो अवतल लेंस है उसके लिए नेगेटिव होती है और जो उत्तल लेंस है उसके लिए पॉजिटिव होती है। तो ये पावर का कॉन्सेप्ट था ऑप्टिक्स के अंदर, जो कि एक बहुत छोटा और सिंपल सा टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्निफिकेशन स्टडी करेंगे इसी सीक्वेंस में। एक और एग्जांपल है कि हम कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो उसकी पावर कितनी होगी, और अगर कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर तो उसकी पावर कितनी होगी? तो P=1/F है, तो इसे सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 आएगा, तो जो पावर होगी 3.33 मीटर इनवर्स होगी। कॉनकेव के लिए थोड़ा सा अलग है क्योंकि कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ वो 20 सेंटीमीटर है, बट फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए माइनस साइन के साथ आती है, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर हमें 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 0.2 आएगा, तो इसलिए इसकी जो पावर होगी वो -5 मीटर इनवर्स होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।